नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा, जीएसटी नॉलेजेबल सीरीज में आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ कि ये नॉलेजेबल सीरीज जो हमने अब स्टार्ट करी है, इसको मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। आज हमारे इस टॉपिक, इस फर्स्ट जीएसटी नॉलेज सीरीज के अंदर जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फाइलिंग आईटीआर ऑफ हिज फादर, ब्रदर, सिस्टर, इज इट अ सप्लाई। सप्लाई के ऊपर हमारा पहला टॉपिक, और अगेन एन इम्पॉर्टेंट कि क्या ये सप्लाई का पार्ट होगा। ऑब्वियसली यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू एज अ प्रोफेशनल, और यू एनी ऑफ दी प्रोफेशनल, बात करते हैं प्रोफेशनल के हिसाब से, आप अपने ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर के आप आईटीआर फाइल करते हैं। सो इज इट अ सप्लाई ऑन द पार्ट ऑफ अंडर द सीजीएसटी एक्ट और इट इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी। इसी के टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन है। समहाउ कहीं ना कहीं जब मैं सप्लाई की बात करता हूँ, सप्लाई की डेफिनेशन पे मैं पहुंचता हूँ, साथ के साथ मैं शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के एंट्री नंबर 2 पे मैं पहुंच जाता हूँ, जहां वो कहता है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन, यू एंड योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फादर और मदर इज अ रिलेटेड पर्सन। सो द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन बिटवीन द रिलेटेड पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। ध्यान से सुनिएगा, ये एक लाइन यहाँ पे एड ऑन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस इवन इफ मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। सो शेड्यूल 1 कहता है कि सप्लाई हम मान लेंगे इवन इफ विदाउट एनी कंसिडरेशन, आप अपनी ब्रदर, सिस्टर, फादर की आप आईटीआर फाइल करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज रिलेटेड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस और नॉट, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन टू बी टारगेटेड। हाउएवर द फाइलिंग ऑफ द आईटी रिटर्न, जो आप अपनी आईटी रिटर्न अपने रिलेटिव पर्सन की आप फाइल करते हैं, इट्स द बॉन्डिंग ऑफ द लव एंड अफेक्शन, इट्स नॉट ड्यू टू दी फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, फर्दर और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो आई कैन से द सेम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट इन द केस और फर्दरेंस और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। हाउएवर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जाएगा और सप्लाई को ट्रीट करेगा, और अगर वैल्यूएशन के ऊपर बात आई, क्योंकि आपने क्या किया विदाउट एनी कंसिडरेशन उस सप्लाई को माना और रिटर्न फाइल कर दी, और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो सेक्शन 15 के तहत वो कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू आप ले लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, देखो ओपन मार्केट वैल्यू हमें मिल ही जाती है अगर हम 2000 या 5000 एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी की अगर आईटीआर फाइल करते हैं, सो सेम इज द मार्केट वैल्यू इन रिलेशन टू द रिलेटिव पर्सन की आईटीआर में फाइल करूंगा। सिमिलर अगर ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन द सेम लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी कि जो वैल्यू बनती है मैं उसको ले लूंगा, अगर वो भी नहीं मिलती तो रूल 30 और 31 में रेजिडुअल मेथड या 110% ऑफ द कॉस्ट, इसको मैं कंसीडर करके वैल्यूएशन इसकी अपनाऊंगा। सो अंत तक अब यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये बनता है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फाइलिंग आईटीआर ऑफ हिज रिलेशन रिलेटिव्स, तो उस केसेस में सप्लाई का पार्ट होगा या नहीं होगा। प्रायमा फेसी देखा जाए शेड्यूल 1 के अंदर मैं देखता हूं कि सप्लाई तो है बट सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं है, तो दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज दिस इज द काइंड और आई कैन से बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन जो एक फर्दरेंस और इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को ट्रीट नहीं कर पाएगी और क्वालिफाई नहीं हो पाएगी सप्लाई के लिए। सो दिस इज द कंक्लूजन हियर। अगर आपको इस मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी इन रिलेशन टू द जीएसटी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल। सो बने रहिएगा हमारे साथ और इस चैनल को आप, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज सीरीज का बेनिफिट ले सकें। मैं फिर कल मिलूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हम डेली बेसिस पे हम मिलते रहेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।